हाजीपुर में हम लोग कार्य करते आए हैं। बड़े भाई साहब वहाँ के सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने अंतिम समय में जाते समय में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको चुना। हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर मैंने पहले भी घोषणा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और अब जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, अब वो हाजीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और देखिए तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति पारस, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय में जो हमारे पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवतातुल, हमारे बड़े भाई साहब थे, उनके नेतृत्व में पार्टी की स्थापना हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में। और फिर 28 नवंबर 2023 को यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा हाजीपुर में, अक्षयवट राय स्टेडियम में यह बनाया जाएगा। और हमारी तैयारी, पूरी तैयारी है, और हाजीपुर से तो प्रत्येक घर से लोग आएंगे, पूरे बिहार से जितना भी जिला है सभी लोग आएंगे। और उस दिन आप गिन लीजिएगा कि पूरे देश से कम तो 25 स्टेट के पदाधिकारी आएंगे और स्टेट का अध्यक्ष आएगा, क्योंकि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर में है। तो उस दिन हाजीपुर में कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, चिंता मुझे हम लोग को इसी बात की है कि उस दिन गाड़ी कहाँ रखा जाएगा। फील्ड में तो जगह मिल भी सकता है लेकिन गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से है कि भूतो न भविष्य, जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा 28 नवंबर 2023 को, वो आज तक जितना भी स्थापना दिवस मनाया गया था उससे ही अलग हो। आपकी कर्मभूमि भी रही है हाजीपुर? मेरा सब कुछ है, कर्मभूमि हमारी ये रही है, जो है 77 से लेके आज तक हाजीपुर में हम लोग कार्य करते आए हैं। बड़े भाई साहब वहाँ के सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने अंतिम समय में जाते समय में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको चुना। और हाजीपुर की जनता की कृपा से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना भी गया और भारत सरकार का भी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर मैंने पहले भी घोषणा किया है कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते रहूँगा। तो अभी आपने देखा जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को जो पार्टी का स्थापना दिवस होगा वो स्थापना दिवस इस बार हाजीपुर में मनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर जो चाचा भतीजा है, यानी जो भतीजा है चिराग पासवान और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो लगातार आमने सामने दिखते हैं। और ऐसे में अब हाजीपुर में जो पशुपति पारस है केंद्रीय मंत्री, अब वो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और जो उनके पार्टी का स्थापना दिवस है वो हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।